जॉर्डन, निकी, अक्षत, योगेंद्र, पुनीत, पंकज, पापी, हाय सभी बच्चों को, हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी, लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम चैनल। तो जैसा कि पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि आज क्लास जो होगी वो वीकली करंट अफेयर की होगी, जो क्लास मतलब क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, बस उसका रिवीजन होगा। ठीक है, तो कहा भी था कि पढ़ के आने को, तो आई होप आप सारे बच्चे पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो चलो सेशन को स्टार्ट करें हम लोग। मनदीप, हरिकृष्ण, तिवारी, निहाल, हर्षवर्धन, लालू, हाय, तो आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी जीएजीएस की मेंटोर हूँ, मेरा नाम वर्षा सिंह है। तो जो भी बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे न्यू है, सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर के बैच शुरू हो चुके हैं 14 जुलाई से, तो आप सारे बच्चे इसमें एनरोल कर लीजिए। अनअकैडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 30+ बैचेस एवरी वीक, 300+ क्लासेस, 70+ एजुकेटर्स, 40,000 आवर्स से भी ज़्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये 90% स्टूडेंट द्वारा ट्रस्टेड ब्रांड है। सभी बच्चों को हाय, सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अनअकैडमी कॉम्बेट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है, अनअकैडमी आपके लिए कंडक्ट करवाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सारे बच्चे इसमें फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएगा, और आप इसको लाइव दे सकेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप पे। 1 करोड़ रुपये का इसमें स्कॉलरशिप पूल है। बस कॉम्बेट आप हर रविवार को दिन में 12 बजे इसमें ज्वाइन करिए, और इनरोल करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करिए वर्षा। जो भी रैंक होल्डर्स होंगे उनको ये चीज़ें मिलेंगी। सभी को हेलो। एसएससी नाउ एंड नेवर धमाका ऑफर क्या है? अगर आप लोग प्रॉमिस ऑफर लेते हो अनअकैडमी का, तो आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो भी केवल 5850 पे, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 12 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो भी 7020 पे। सीईटी प्रिपरेशन ऑफर में क्या है? आपको उसमें कॉम्बो मिलता है, ठीक है, एसएससी और बैंक दोनों का, 1 साल पे 6 महीने एक्स्ट्रा, 2 साल पे 12 महीने एक्स्ट्रा। प्राइजेस मेंशन है यहाँ पे, 7999 और 9999। ये ऑफर जो है लिमिटेड टाइम के लिए है, जुलाई के लिए है, तो आप सारे बच्चे इसमें जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्रिप्शन के प्राइस जुलाई में हाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन ले ले, जब भी सब्सक्रिप्शन ले 12 या 24 महीने का ले, और मेरा रेफरल कोड यूज़ करें वर्षा, जिससे कि आपको 10% का ऑफ मिल जाए। ठीक है, तो अभी वीकली करेंट अफेयर का रिविजन होगा, रैपिड फायर राउंड होगा, ये जल्दी जल्दी से बस आंसर देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट मैरिटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर इज बीइंग सेटअप इन विच सिटी ऑफ द कंट्री? भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी गांधीनगर में, ऑप्शन सी सूरत में, ऑप्शन डी पुणे में। मैं ठीक हूँ अर्चना, अभय हेलो, जॉर्डन हेलो, सभी बच्चों को हेलो। तो यहाँ पे पंकज का, शेखर का, निशान, हर्षवर्धन, दिनेश मीना, जॉर्डन, आकाश, सभी का आंसर है बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अनवील्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ ऑटोमेटेड सैंक्शन एंड डिसबर्समेंट ऑफ डिफेंस पेंशन, व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट सिस्टम? रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी को संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है, उस प्रणाली को क्या नाम दिया गया? ऑप्शन ए स्पर्श, ऑप्शन बी प्रयास, ऑप्शन सी परीक्षा, या ऑप्शन डी मित्रा। हैव यू लॉन्च मैम, मतलब बापी, जल्दी से सारे बच्चे वीडियो को लाइक करें। हर्ष, किरण, शेखर, जॉर्डन, दिनेश, सभी का आंसर ए है, डी इज द करेक्ट आंसर, स्पर्श। और आज का आपका जो क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन बनता है कि स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है, ये आप सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, अभी नहीं, बाद में जब सेशन ऑफ हो जाएगा उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि स्पर्श की फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडियन पॉलिटिशियन वीरभद्र सिंह हु हैज पास्ड अवे वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? भारतीय राजनेता वीरभद्र सिंह जिनका निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए गुजरात के, ऑप्शन बी हरियाणा के, ऑप्शन सी बिहार के, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश के। हाँ जीतू राजपूत, ये लाइव क्लास चल रही है, बस मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने आज स्मार्ट बोर्ड पे क्लास नहीं ली। ठीक है, तो अविनाश, जॉर्डन, मनदीप, स्वप्निल, तिवारी, निहाल, दिनेश,
सोहेल, सभी का आंसर डी आ रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एंड थर्ड का डी इज द करेक्ट आंसर। हिमाचल प्रदेश के वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अमेजॉन इंक हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल केंद्र इन इंडिया इन विच सिटी। अमेजॉन इंक ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो फोर्थ का सभी का आंसर आ रहा है सी कोलकाता, और कुछ बच्चे का आ रहा है जॉर्डन का सूरत, अभिलाष का सूरत, कौशल, शेखर, हर्षवर्धन, अंकित, बापी, सभी का सूरत आ रहा है, एंड सूरत इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे लॉन्च किया अपना पहला डिजिटल केंद्र अमेजॉन ने? सूरत में लॉन्च किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च अ न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन? निम्नलिखित में से किसने न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया? ऑप्शन ए अमेजॉन ने, ऑप्शन बी गूगल ने, ऑप्शन बी फेसबुक ने, ऑप्शन सी गूगल ने, ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट ने। सौरभ कुमार हाय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का निकी यदुवंशी, सतीश शंकर, स्वप्निल, हर्षवर्धन, तिवारी, निहाल, दिनेश, अंकित पाल, वेदा गोरका, सभी का आंसर बी है, एंड बी इज द करेक्ट आंसर। किसने किया? फेसबुक ने किया, ठीक है, तो फेसबुक इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच कंट्री हेल्ड द टॉप रैंक इन द न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग रिलीज रिसेंटली? हाल ही में जारी न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन बी फिजी ने, ऑप्शन सी जर्मनी ने, ऑप्शन डी यूके ने। क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो सिक्स का सभी का आंसर सी एंड बी है बच्चों का डाउट। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी यूके ने, और जॉर्डन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सतीश शंकर का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर यूके। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, अंडर हूज चेयरमैनशिप द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 25 मेंबर डेवलपमेंट काउंसिल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री? किसकी अध्यक्षता में सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की? ऑप्शन ए रचिता मजुमदार, ऑप्शन बी पुनीत डालमिया, ऑप्शन सी राकेश सिंह, या ऑप्शन डी नीलेश नार्वेकर। जीतू राजपूत, मेरा नाम वर्षा सिंह है, अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे जाकर के आप लोग मेरा नाम सर्च करें, वर्षा सिंह आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हाँ स्वप्निल, आज फास्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन है, तो रिवीजन के लिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का आंसर ए बी सी तीनों आ रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ करेक्ट आंसर इज हर्षवर्धन का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर पुनीत डालमिया, ठीक है। सोहेल का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पुनीत डालमिया। क्वेश्चन नंबर एट्थ, इंडियन नेवल शिप डैश रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री एक्सरसाइज विद द फ्रंटलाइन फ्रिगेट ऑफ द इटालियन नेवी? भारतीय नौसेना के जहाज डैश ने हाल ही में इतावली नौसेना के फ्रंटलाइन फ्रिगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। ऑप्शन ए जलश्वा, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी माइसोरी, ऑप्शन डी तबार। तो हर्षवर्धन का तलवार, सौरभ का तलवार, अंकित का तलवार, बापी का तलवार, और ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से याद करवाया था, आंसर इज डी तबार। तलवार नहीं होगा, ताबार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, नाम ताबार था ना कि तलवार था। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू हैव इट्स ओन ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म? भारत के किस राज्य ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र ने, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने, ऑप्शन सी केरला ने, ऑप्शन डी कर्नाटका ने। और जॉर्डन का आंसर तावार बिल्कुल ठीक है, तावार इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तलवार नहीं था वो, तावार था। तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का अविनाश, जॉर्डन, सभी का सी आ रहा है, एंड सी इज द करेक्ट आंसर केरला। हर्ष का भी सी है, प्रियंका सिंह का भी सी है, सोहेल का भी सी है, निहाल का भी सी, दिनेश मीना, पंकज, सभी, निक्की यदुवंशी, राकेश यादव, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। सतीश शंकर का भी सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो इज एसोसिएटेड विद द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू? निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। क्वेश्चन नंबर टेंथ, तो अविनाश, जॉर्डन, मिस्टर खान, अभिलाष कुमार बालामुनि,
सौरभ, पंकज, सतीश शंकर, स्वप्निल, अभिलाष, सभी का आंसर ए है, शेखर सिंह का भी ए है, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर कौन बन गए? किरण रिजिजू बन गए। और ये जो पहले कौन से मंत्री थे? खेल मंत्री थे, तो वो पोर्टफोलियो अब चला गया किसके पास? अनुराग ठाकुर के पास, ठीक है। 11th, which of the following movie has recently added to the National Film Archive of India? निम्नलिखित में से किस फिल्म को हाल ही में National Film Archive of India में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए पत्थर पंचरी, ऑप्शन बी लगान, ऑप्शन सी देवदास, या ऑप्शन डी पीके। क्वेश्चन नंबर 11th, हर्षवर्धन का 11th का डी, कुमार बालामुनि का डी, पीके कामेश का ए, दीपक का डी, सतीश यादव का लगान। तो जो भी बच्चे लगान आंसर दे रहे हैं और देवदास दे रहे हैं, उनका आंसर गलत है। करेक्ट आंसर इज डी पीके, ठीक है। मनदीप का आंसर बिल्कुल ठीक है पीके, राकेश यादव का भी आंसर बिल्कुल ठीक है पीके। अमित वर्मा, हेलो, एक बार सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे हिट जरूर करना, ठीक है। बेल आइकन पे हिट जरूर करना, जब तक आप बेल आइकन पे हिट नहीं करोगे तब तक आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। 12th, नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 जुलाई को, ऑप्शन बी 10 जुलाई को, ऑप्शन सी 11 जुलाई को, या ऑप्शन डी 13 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 12th, क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर तो यहाँ पे 12th का आंसर सब बच्चे अलग अलग फिर से दे रहे हैं 12th का आंसर, तो सबका आंसर सी आ रहा है, जॉर्डन का बी आ रहा है, एंड जॉर्डन आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 10 जुलाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 10 जुलाई है। क्वेश्चन नंबर 13th, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी? निम्नलिखित में से किसने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीता है? ऑप्शन ए डियान लुकास ने, ऑप्शन बी फ्रैंक ने, ऑप्शन सी जैला ने, ऑप्शन डी नन ने। क्वेश्चन नंबर 13th का आंसर, अभय का भी आंसर बिल्कुल ठीक था 10, और जॉर्डन का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट था 10, बापी का भी 10 बिल्कुल करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 13th, तो 13th का नितेश का सी है। क्लास अमित अब से डेली होगी 10:45 पे क्लासेस की टाइमिंग रहेगी, तो सभी बच्चे यहाँ पे जॉर्डन का सी है, दिनेश का बी है, हरी राव का बी है, एंड क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट आंसर इज सी, और जॉर्डन सारे ही क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट दे रहे हो। मनदीप का भी सी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मिस्टर इलाहाबाद, जीत राजपूत इलाहाबाद से। क्वेश्चन नंबर 14th, आरबीआई हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक फॉर कंट्रावेंशन ऑफ वेरियस रेगुलेटरी नॉर्म इंक्लूडिंग ऑन लेंडिंग टू एनबीएफसी? ऑप्शन ए इंडसइंड बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आरबीआई ने एनबीएफसी को उधार देने के सहित विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? क्वेश्चन नंबर 14th, तो 14th का जॉर्डन का ए है, अविनाश का डी है, प्रियंका का डी है, प्रियंका अविनाश आप दोनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे बैंकों पे लगाया है, ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15th, विच बैंक हैज साइंड एन एमओयू विद द इंडियन आर्मी टू ऑफर डिफेंस सर्विस सैलरी पैकेज फॉर इंडियन आर्मी अंडर इट्स पावर सैल्यूट इनिशिएटिव? किस बैंक ने अपनी पावर सैल्यूट पहल के तहत भारतीय सेना के लिए रक्षा सेवा वेतन पैकेज की पेशकश करने के लिए भारतीय सेना के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, या ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 15, तो 15 का ऋषु का सी, हर्षवर्धन का डी, जीत का बी, बापी का सी, तो जीत का आंसर, अरुण का आंसर बी आ रहा है, जीत अरुण आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, कुशल आपका भी आंसर बिल्कुल ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सिस बैंक, ठीक है, और दिनेश मीना का भी बी बिल्कुल ठीक है, अरुण का भी बी बिल्कुल ठीक है, जॉर्डन ने भी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, और कामेश ने भी बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 16, मैक्स बोपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज एंटर्ड इनटू अ बैंक का एश्योरेंस पार्टनरशिप विद विच बैंक? मैक्स बोपा हेल्थ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक का एश्योरेंस साझेदारी की? ऑप्शन ए यस बैंक के साथ, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक के साथ, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक के साथ, या ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक के साथ।
क्वेश्चन नंबर 16, तो 16 का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, कृष्णेंदु का बी आ रहा है, कुशल का बी आ रहा है, अभिलाष का बी, हरी राव का बी, हर्षवर्धन का बी, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, एक्सिस बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज नोन एज द फाउंडिंग फादर ऑफ बेंगलुरु, बेंगलुरु के संस्थापक पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा देवारिया को, ऑप्शन बी कृष्णा राज वाडियार को, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान को, या ऑप्शन डी नाडा प्रभु केम्पी गोड़ा को। क्वेश्चन नंबर 17, और सारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर हिट करें आप लोग। तो 17 का हर्षवर्धन का बी है, बापी का सी है, दिनेश का बी है, आकाश का बी है, हरी राव का बी है, और कामेश काटोरिया का और कुमार बालूमणि का डी है। तो कुमार एंड कामेश और जॉर्डन, आप तीनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नाडा प्रभु केम्पी गोड़ा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट आंसर इज डी, नाडा प्रभु केम्पी गोड़ा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड साइन डैश डील विद द इंडियन एयरफोर्स फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना के साथ डैश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए कितने का समझौता है ये? ऑप्शन ए 699 करोड़ का, ऑप्शन बी 799 का, ऑप्शन सी 899 का, या ऑप्शन डी 499 का। क्वेश्चन नंबर 18, अभय का डी है, बापी का डी है, वेदा का बी है, कामेश का डी है, सतीश शंकर का डी है, कुशल का बी, हाँ टाइम चेंज कर दिया राजन, 10:45 कर दिया। तो जो भी बच्चे डी बोल रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर, और जॉर्डन के अभय के आंसर सारे के सारे सही आते हैं, कामेश के भी आंसर सही आते हैं, हरी राव के भी आंसर सही आते हैं, सतीश शंकर के भी आंसर सही आते हैं। मैंने जो ज्यादा देखो सही तो सबके आ रहे हैं, किसी के लेकिन कुछ कुछ गलत हो रहे हैं, लेकिन इन सबके लगभग सारे ही सही आ रहे हैं। 19th डैश एंटर इंडियाज रेलवे मैप एज फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रिच द स्टेट, राज्य में पहली यात्रा ट्रेन पहुंचते ही डैश भारत के रेलवे मानचित्र में प्रवेश करती है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी मैंगलोर। तो राजपूत इलाहाबाद का डी है, योगेंद्र का डी है, अरुण का डी है, क्वेश्चन नंबर 19, हर्षवर्धन का ए, जॉर्डन का ए, कामेश का ए, रिशु का ए, बापी का ए, अविनाश का ए, किरण, वेदा, कुशल सभी का ए, दिनेश मीना का भी ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल, द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी करीना कपूर खान, ऑप्शन सी रानी मुखर्जी, या ऑप्शन डी विद्या बालन। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, जल्दी से 100 लाइक कंप्लीट करो। तो क्वेश्चन नंबर 20, हर्षवर्धन का बी, योगेंद्र, रिशु, प्रियंका, दिनेश, अभय, कामेश, अविनाश, हरी राव, रिशु, अभय, अभिलाष, दिनेश, राजन, प्रभा, सभी का आंसर बी आ रहा है, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, करीना कपूर खान की ये डेब्यू बुक है द प्रेगनेंसी बाइबल। 21, अभी अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द सेकेंड टर्म, अभी अहमद को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए इथोपिया के, ऑप्शन बी मेडागास्कर के, ऑप्शन सी शीचल्स के, ऑप्शन डी तंजानिया के। क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 अरुण कुमार, अभिलाष, संजीव, योगेंद्र कुमार, जॉर्डन, हर्षवर्धन, वेद गोरका, राजन, कामेश, रंजन, सभी का आंसर ए है, एंड ए इज द करेक्ट आंसर, इथोपिया के दोबारा से क्या बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड, निम्नलिखित में से किसने कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए सुरेश मुकुंद ने, ऑप्शन बी शाहजी एनएम ने, ऑप्शन सी सैयद ओस्मान ने, या ऑप्शन डी नागेश्वर रेड्डी ने। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा पहले ये बताओ आप लोग कमेंट करके, क्वेश्चन पढ़ के सारे पढ़े हुए लग रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कोई नया क्वेश्चन आ गया, ये फील आ रही है ना पूरी की सारा कर रखा है हमने, भोजपुर स्टार, बापी जमाटिया, दिनेश, हर हिम्मत, निर्वाण, कामेश, वेदा, जॉर्डन, जीत, तो सारे बच्चे 22, दिनेश मीना का सी है, सतीश शंकर का सी है, प्रभा का सी है, और आप तीनों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सैयद ओस्मान अजहर को मिला है कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, योगेंद्र का भी ठीक है, अरुण का भी ठीक है,
अरुण कुमार रेखा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर जॉर्डन, ये तो तुम्हारा गलत हो गया, अभय तुम्हारा भी गलत। क्वेश्चन नंबर 23, विच टीम हैज वॉन द कोपा अमेरिका 2021? कोपा अमेरिका 2021 किस टीम ने जीता 2021? ऑप्शन ए मेक्सिको ने, ऑप्शन बी स्पेन ने, ऑप्शन सी अर्जेंटीना ने, ऑप्शन डी नन। हाँ राजपूत, आपका गलत। हर्षवर्धन, अविनाश, जॉर्डन, हरि राव, स्वप्निल, राहुल, पंकज, रिशु, अंकित, कृष्णेंदु, प्रभा, मानस, मंदीप, वेद, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। अर्जेंटीना जीता है और ब्राजील को हराया है अर्जेंटीना ने। और सारे बच्चे जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक भी कर देना। 24th वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जुलाई को, ऑप्शन बी 11 जुलाई को, ऑप्शन सी 12 जुलाई को, या ऑप्शन डी 13 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 24th, तो 24th का हरि राव, जॉर्डन, मिस्टर खान, अविनाश, सतीश, ओमकार, जीत राजपूत, दिनेश, अविनाश, आकाश, हरि राव, प्रियंका सिंह, मंदीप, जॉर्डन, कृष्णेंदु, पंकज, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। कुमार बालामुनि, आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 11th जुलाई इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। क्वेश्चन नंबर 25th, ट्विटर हैज रिसेंटली नेम्स होम एज द रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर फॉर इंडिया टू फॉलो न्यू आईटी रूल्स। ट्विटर ने हाल ही में भारत के लिए अपने निवासी शिकायत अधिकारी के रूप में नए आईटी नियमों को पालन करने के लिए किसे नामित किया? ऑप्शन ए श्रीकांत नायक को, ऑप्शन बी विनय प्रकाश को, ऑप्शन सी विनय पात्रा को, या ऑप्शन डी नंद। तो जीत राजपूत, संजीव, अभिलाष, अविनाश, वेद गोरका, बिट्टू गुड इवनिंग, ओमकार, मानस, परिदा, हरि राव, अभिषेक गुप्ता, आपका भी सही था। चलो ठीक है, मैं भी नाम मिस हो गया। तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, विनय प्रकाश इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर्ड ऑन विच डे एज वर्ल्ड मलाला डे टू ऑनर द यंग एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजई? संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए 10 जुलाई को, ऑप्शन बी 11 जुलाई को, ऑप्शन सी 12 जुलाई को, या ऑप्शन डी 13 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 26, तो हर्षवर्धन, स्वप्निल, अभय, शुभाशीष, जॉर्डन, प्रभा, अंकित, रंजन, ओमकार, अरुण, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। वेदा, आपका भी यंगेस्ट नोबल रिसिपिएंट बिल्कुल करेक्ट है। स्वप्निल का भी बिल्कुल करेक्ट है, 12 जुलाई को, और 12 जुलाई को उनका बर्थडे आता है इसलिए ये दिन डिक्लेयर किया गया, 12 जुलाई इसलिए चूज किया गया। 27th, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द विम्बलडन चैंपियनशिप 2021? निम्नलिखित में से किसने विम्बलडन चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता? ऑप्शन ए रफाल नडाल ने, ऑप्शन बी मैटियो बेरेटिनी ने, ऑप्शन सी होराशियो जेबलोस ने, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच ने। क्वेश्चन नंबर 27, हर्षवर्धन, कुमार, शुभाशीष, ओमकार, स्वप्निल, दीपक, दिनेश, कृष्णेंदु, राजन, पंकज, कुशाल, राकेश, अंकित, स्वप्निल, योगेंद्र, दीपक, जॉर्डन, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नोवाक जोकोविच ने जीता है विम्बलडन चैंपियनशिप 2021 मैटियो बेरेटिनी को हरा करके, जो कि इटली से बिलोंग करते हैं। 28, डॉक्टर पी के वॉरियर रिसेंटली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग फील्ड? डॉक्टर पी के वॉरियर का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए साइकोलॉजी से, ऑप्शन बी आर्किटेक्चर से, ऑप्शन सी आयुर्वेदिक फिजिशियन से, या ऑप्शन डी नन से। क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 का कोमल का, स्वप्निल का, कुशाल, अविनाश, वेदा, दिनेश, हरि राव, मानस, जीत राजपूत, ओमकार, स्वप्निल, हिम्मत, राजन, दिनेश मीना, जॉर्डन, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। मनदीप पठानिया का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इज द करेक्ट आंसर, आयुर्वेदिक फिजिशियन थे वो। 29th, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रामायण पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए रमनदीप कौर, ऑप्शन बी मनदीप कौर, ऑप्शन सी बलजीत कौर, या ऑप्शन डी नन। 29th का मनदीप, दिनेश, राजन, शहाबुद्दीन, जॉर्डन, दिनेश मीना, रिशु। इसका थ्योरी मैं मंडे से फ्राइडे में करवाती हूँ, ठीक है? क्लास अब से 10:45 में आप अटेंड करना, ठीक है? और कल रात को हम जो करेंगे वो करेंगे 1 से लेकर के 15 जुलाई,
एक से लेकर के 15 जुलाई का करंट अफेयर, तो वो भी पढ़ के आइएगा। तो 29 सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर, बलजीत कौर। क्वेश्चन नंबर 30, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करो, आप लोग लाइक में इतना कंजूसी क्यों करते हो। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द विम्बलडन जूनियर मेन्स टाइटल, निम्नलिखित में से किसने विम्बलडन जूनियर पुरुष का खिताब जीता है। ऑप्शन ए विक्टर लिलोव ने, ऑप्शन बी रोहित वर्मा ने, ऑप्शन सी समीर बनर्जी ने, ऑप्शन डी नन। और ये आपका टेलीग्राम का चैनल है GA/GSY वर्षा सिंह, तो सारे बच्चे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जैसे ही ये क्लास ओवर होगी उसके 5 मिनट के अंदर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, हरी का, वेदा का, जॉर्डन का, स्वप्निल का, कुशाल का, रिशु का, रंजन, राहुल, जॉर्डन, जयंत, अभिलाष, अविनाश, मनदीप, प्रियंका, द करेक्ट आंसर समीर बनर्जी। 31, नेम द ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून, जून के लिए ICC वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का नाम बताइए। ऑप्शन ए एलिस पेरी, ऑप्शन बी सोफी एस लिस्टन, ऑप्शन सी बेट मोने, ऑप्शन डी स्नेह राणा। अच्छा जल्दी से कमेंट करके बताओ, सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं या नहीं करा रखे हैं, जो तुम अभी कर रहे हो सारे क्लास वाले क्वेश्चन है या नहीं है। तो यहाँ पे हर्षवर्धन, संजीव, कामेश, खुशहाल, मनदीप, जयंत, अरविंद, वेद। आज क्लास 10:45 से स्टार्ट हुई है, लेकिन ये हमने मंडे से फ्राइडे का जो करंट अफेयर था ना। रिशु तुम क्लास में डेली नहीं आते हो, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने कल ही करवाया है। रिशु कल रात को ही करवाया था ये वाला क्वेश्चन, तो आंसर इज बी सोफी। हाँ जॉर्डन, हाथे बच्चे तो बोल रहे हैं कि मैम कब करवाया है। अरे डेली कराती हूँ, तुम लोग पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन एकदम करेक्ट करोगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द जून, निम्नलिखित में से किससे जून के लिए ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन ए क्विंटन डी कॉक को, ऑप्शन बी विराट कोहली को, ऑप्शन सी डेवोन कॉनवे को, ऑप्शन डी रोहित शर्मा को। अच्छा हिम्मत आप फर्स्ट टाइम आए हो। हिम्मत ये क्लास जो होगी ना आपकी डेली 10:45 पे होगी, लेकिन हम 10:45 पे डेली करंट अफेयर करते हैं, सैटरडे को हम रिवीजन करते हैं, और संडे को मैं कल आपको करवाऊंगी 1 से लेकर के 15 जुलाई का करंट अफेयर। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है कॉनवे, एंड कॉनवे इज द करेक्ट आंसर। जयंत, अरविंद, स्वप्निल, जॉर्डन, कामेश, रिशु, राहुल, मनदीप, वेदा, राजन, सबका, प्रभा, सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। प्रियंका का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हरी राव का भी, जयंत का भी, दिनेश मीना का भी, एंड कॉनवे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू क्रिएट न्यू डिपार्टमेंट फॉर इंडिजीनियस फेथ एंड कल्चर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाएगा। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी केरला, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। और किसी बच्चे को डाउट है कि मैम ने कब करवाया, हमने ये क्वेश्चन देखा नहीं, तो आप GA/GSY वर्षा सिंह पे जाओ, वहां पे मैं क्लास की डेली PDF सेंड करती हूँ, आपको सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है आसाम, और बस रंजन सेठी का आंसर आ रहा है केरला, और कुशल का केरला। तो रंजन कुशल आप दोनों शायद क्लास में आए नहीं होंगे, तभी गलत दे रहे हो। करेक्ट आंसर इज ए आसाम ने बनाया है, ठीक है। नया जो ये डिपार्टमेंट है ये किसने बनाया है, आसाम ने। क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 इन फरवरी 2022, फरवरी 2022 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगा। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी केरला, या ऑप्शन डी उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 34, तो अरुण का, कोमल का, हिम्मत का, जयंत का, संजीव, जयंत, मनोज। PDF आपको मनोज टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का चैनल है GA/GSY वर्षा सिंह, ठीक है। और जब भी आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले तो आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करें वर्षा, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा रेफरल कोड है। तो सभी का आंसर हरियाणा आ रहा है, रिशु का, GK ट्यूटोरियल का, वेदा का, प्रियंका, मनदीप, संजीव, एंड बी इज द करेक्ट आंसर हरियाणा। 35, IIT मद्रास एंड डैश इंडिया टीम अप टू होस्ट संवेदन 2021, IIT मद्रास और डैश भारत की टीम संवेदन 2021 की मेजबानी करेगी। ऑप्शन ए SCL, ऑप्शन बी HP, ऑप्शन सी सोनी, ऑप्शन डी वन प्लस। क्वेश्चन नंबर 35, हर्षवर्धन, वेदा, हाँ यूनिवर्सिटी गेम्स आपके कर्नाटका में होंगे, राजपूत, अभय, हिम्मत, अभिलाष, कुशल, योगेंद्र, प्रभा, राकेश परिहार, अभिलाष, जॉर्डन, राजन,
आकाश, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रियंका, आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सोनी, जॉर्डन का भी, सतीश, शंकर का भी, ठीक है। जिज्ञासा का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। मनदीप का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। योगेंद्र का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज टाइड अप विद द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी फॉर इंश्योरिंग हिमालय याक। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हिमालय याक का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए आसाम ने, ऑप्शन बी हरियाणा ने, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश ने, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। और अभी जो आपकी अगली क्लास है का टाइम याद रखिए, 11:55 पे आपकी अगली क्लास है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं चलेगी, इसलिए आप लोग सारे बच्चे 11:55 पे आ जाना अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे, ठीक है। कहाँ पे? अनअकैडमी लर्नर ऐप पे मेरा नाम सर्च कर लेना, वर्षा सिंह, आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, उसको फॉलो कर लेना और क्लास को ज्वाइन कर लेना। मॉक टेस्ट होगा वहाँ पे अभी, ठीक है। तो 36 का सभी का आंसर आ रहा है सी एंड डी। तो जो बच्चे डी बोल रहे हैं उनका आंसर गलत है, करेक्ट आंसर इज सी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो संजीव, मनदीप, हाँ आज ही आना है अब है। जॉर्डन, तुम्हारा ये वाला आंसर गलत है, आसाम नहीं होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। मनोज का भी सी बिल्कुल ठीक है, दिनेश मीना का भी सी बिल्कुल ठीक है, रंजन सेठी का भी सी बिल्कुल ठीक है। सोना है तो सो जाना अब है, तुम मर्जी है ये तो तुम्हारी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द बहरेन केरालिया समाजम लिटरेरी अवार्ड फॉर द 2021। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हिमालय, ये हिंदी में गलत है, तो इनमें से किसको चुना गया है बहरेन केरालिया समाजम लिटरेरी अवार्ड 2021 के लिए? ऑप्शन ए रंजीत सिंह को, ऑप्शन बी ओम चेरी को, ऑप्शन सी गिरीश कुमार को, या ऑप्शन डी ओम प्रकाश को। क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 का शुभाशीष का बी, हर्षवर्धन का बी, बारिश होने लगी है तो जब घर से निकलना तो छतरी लेके निकलना बस। पंकज का भी बी है, बापी जमाटिया का डी है, वेदा को पता नहीं है, आकाश पासवान का ए है, कुशल का बी है, प्रियंका का बी है, एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ओमचरी एन एन पिलई को। क्वेश्चन नंबर 38, नेम द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। द आर्ट ऑफ कॉन्जरिंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन ए शिवम एंड आनंद, ऑप्शन बी लीजा एंड डेविड, ऑप्शन सी स्टीफन एंड पीटर, या ऑप्शन डी नील एंड टेरी। क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 का शुभाशीष का ए है, स्वप्निल का ए है, सुजीत का ए है, संजीव का बी, हर्षवर्धन का ए, मनोज का बी, प्रियंका का ए, अरुण का ए, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। जिज्ञासा का भी ए बिल्कुल ठीक है, प्रभा का भी ए आंसर बिल्कुल ठीक है, शिवम एंड आनंद इज द करेक्ट आंसर, कृष्णेंदु का भी ए बिल्कुल ठीक है, भोले शर्मा का भी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 39, द स्ट्रगल विद इन अ मेमोर ऑफ इमरजेंसी अ बुक हैज बिन रिटन अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग। द स्ट्रगल विद इन द मेमोर ऑफ द इमरजेंसी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए सलमान रुशीद के द्वारा, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय के द्वारा, ऑप्शन सी अशोक चक्रवर्ती के द्वारा, या ऑप्शन डी नन के द्वारा। 39, तो रंजन सेठी का आंसर आ रहा है अशोक, स्वप्निल का सी, वेदा का ए, मनदीप का सी, शुभाशीष का सी, हर्षवर्धन का ए, मोटू का सी, राहुल का सी। मोटू अपने साथ पतलू को भी बुला के लाओ, एंड सी इज द करेक्ट आंसर, अशोक चक्रवर्ती। और अभी तक आप लोगों ने लाइक कंप्लीट नहीं की है, 100 लाइक भी कंप्लीट नहीं कर सके अभी तक आप लोग। 40, रेल कार्गो मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड डैश गेट्स अ बिग बूस्ट। भारत और डैश के बीच रेल कार्गो आवाजाही को बड़ा बढ़ावा मिला है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, या ऑप्शन डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 40, तो राकेश, जॉर्डन, संजीव, स्वप्निल, स्वप्निल आपका आंसर बी आ रहा है, स्वप्निल आपका आंसर सी होगा करेक्ट, ठीक है, बी नहीं होगा सी होगा। मंजू, आज थ्योरी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर तुम शुरू से क्लास अटेंड करती तो तुमको समझ में आता कि अभी जो मैंने पिछले हफ्ते पूरा जो क्वेश्चन कराया है ये उसी का रिवीजन था, इसीलिए आज थ्योरी नहीं हुआ। और आज वाले थ्योरी का मैं अभी पीडीएफ वो भी भेज दूंगी, आज वाले करंट अफेयर का। 41, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द इन नेपाल प्राइम मिनिस्टर फॉर द फिफ्थ टाइम। निम्नलिखित में से कौन नेपाल के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए अग्नि प्रसाद, ऑप्शन बी शेर बहादुर दियोबा, ऑप्शन बी पुष्पा कमल, या ऑप्शन डी खड्गा प्रसाद शर्मा ओली।
तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है बी, जॉर्डन का, वेदा का, ऋषु का, स्वप्निल, हर्षवर्धन, मोटू, शुभाशीष, राहुल, जिज्ञासा, राकेश, भोले शर्मा एंड बी इज द करेक्ट आंसर, शेर बहादुर इज द करेक्ट आंसर। कामेश का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, अरविंद मैथ क्लासेस का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। 42, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी सेलेक्टेड फॉर द जजिंग द जिमनास्टिक कॉम्पिटिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स। ऑप्शन ए दीपक काबरा, ऑप्शन बी मोहित बघेल, ऑप्शन सी भवानी देवी, ऑप्शन डी नन। ओलंपिक खेलों की जिमनास्टिक प्रतियोगिता को जज करने के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने, बताइए 42 का। तो 42 बापी का डी, मनदीप का बी, राकेश का बी, संजीव का बी, अविनाश, हर्ष, अविनाश का ए, शुभाशीष का बी, मोटू का ए, कुशल का ए, राजन शर्मा का ए, अविनाश का ए, स्वप्निल का ए एंड 42 आप लोगों का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। हर्ष तुम्हारा गलत है, दीपक काबरा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रभा का आंसर भी बी गलत है इस बार। 43, यशपाल शर्मा पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज ए एन, यशपाल शर्मा का हाल ही में निधन हो गया, वो एक क्या थे। ऑप्शन ए कॉमेडियन थे, ऑप्शन बी लॉयर थे, ऑप्शन सी क्रिकेटर थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं थे। जॉर्डन का भी ए बिल्कुल करेक्ट था। तो यहाँ पे राहुल, योगेंद्र, हिम्मत, मनदीप गुप्ता मिस, मनदीप, खुशबू, हरिराव, संजीव, राकेश, शुभाशीष, ऋषु, हर्षवर्धन, अविनाश, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, क्रिकेटर इज द करेक्ट आंसर। अरविंद मैथ का भी, जॉर्डन का भी, राहुल मेश्राम का भी, प्रभा का भी, सी इज द करेक्ट आंसर। 44, इंडियन नेवी रिसीव्ड डैश एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-81 फॉर द US बेस्ड एयरोस्पेस कंपनी बोइंग। भारतीय नौसेना ने अमेरिका की स्थित एयरोस्पेस कंपनी बोइंग से डैश पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त किए। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 14। क्वेश्चन नंबर 44, कामेश, मोहम्मद तासीम अंसारी, मोटू, स्वप्निल, अरविंद, कामेश, राहुल, हरिराव, खुशबू, जीत, राकेश परिहार, प्रभा, हर्षवर्धन, दिनेश मीना स्किप कर रहे हैं, स्वप्निल, हिम्मत, मनदीप, ओमकार, जितेंद्र, आप सभी का आंसर 44 का बिल्कुल करेक्ट है, 10 होगा। ठीक है, 12 नहीं 10 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, प्रियंका तुम तो सी पे पहुंच गए, सी नहीं है, ए इज द करेक्ट आंसर। 45, विच कंट्री हैज साइंड एन $1.3 बिलियन डील विद इंडिया टू डेवलप अ 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। किस देश ने 689 मेगावाट लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ $1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी चाइना। और जो भी बच्चे जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उनको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन मैं आपको डेली करेंट अफेयर की क्लास में करवाती हूँ, जो क्लास सेम टाइम पे होती है 10:45 पे, बस सैटरडेज का रिविजन होता है। ठीक है, तो 45 का सभी का आंसर आ रहा है ए। कामेश, तासीम, अविनाश, दिनेश, राजन, प्रभा, ऋषु, अरविंद, राकेश परिहार, कामेश, मंजू, सृष्टि, ए इज द करेक्ट आंसर, नेपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील्ड अ स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी इन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डैश में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। सॉरी, ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जॉर्जिया, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी इटली। 46 का तो अविनाश, हर्षवर्धन, अनीश, रंजन, हरिराव, कोई बात नहीं, स्वप्निल, भूपेंद्र, सभी का आंसर जॉर्जिया आ रहा है, जॉर्जिया इज द करेक्ट आंसर। ओमकार सावंत का भी, शुभाशीष का भी, राघवेंद्र का, पंकज का, रंजन का, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, हरिराव का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, तासीम अंसारी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, जॉर्जिया इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ल्ड यूथ स्किल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। विश्व युवा कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जुलाई को, ऑप्शन बी 16 जुलाई को, ऑप्शन सी 12 जुलाई को या ऑप्शन डी 14 जुलाई को। और ये वाला क्वेश्चन भी कल की क्लास में ही हुआ है। ठीक है, अच्छा रंजन मैं पानी पी लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 47, तो ओमकार, अनीश, भूपेंद्र,
राहुल, जॉर्डन, कुशल, अनीश, ओमकार, दिनेश, सचिन, हिम्मत, निर्वाण, स्वप्निल, प्रियंका, राजन, मंजू, जिज्ञासा, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 47th का कल ही ये क्वेश्चन हुआ था, 15 जुलाई इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 48, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश पर प्रतिबंध लगाया, ऑप्शन ए वीजा पर, ऑप्शन बी रुपए पर, ऑप्शन सी अमेजोन पे पर, या ऑप्शन डी मास्टर कार्ड पर। और जो भी बच्चे अभी क्लास में नए आए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करो ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। दूसरी चीज, वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। और तीसरी चीज, डेली क्लास 10:45 PM पे होती है, आज रिवीजन की क्लास है, अदरवाइज डेली आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है। 48 सभी का आंसर आ रहा है डी, हर्षवर्धन, रंजन, ओमकार, हरिराव, सचिन, योगेंद्र, राकेश, जिज्ञासा, अविनाश, हिम्मत, गुप्ता मिस, भूपेंद्र, प्रियंका सिंह, मनोज शर्मा, कुशल, सभी का डी है एंड डी इज द करेक्ट आंसर। 49, कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूएशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेशनल आयुष मिशन फॉर, यहाँ पे इसको चेंज कर लो, ईयर ईयर में चेंज कर लो कि कब तक के लिए कंटिन्यू कर दिया है। पहला ऑप्शन है 2023, दूसरा है 2024, तीसरा है 2025 और चौथा है आपका 2026, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, जो आपका नम मिशन है उसको कब तक के लिए सेंटर ने अप्रूव कर दिया है कि वो कंटिन्यू चलेगा। राजन का 2023, पंकज का 2024, स्वप्निल का सी, 49 का सारे बच्चे बी बोल रहे हैं, बट करेक्ट आंसर इज डी, 2026 तक, ठीक है। और ई किशोर का आंसर बिल्कुल करेक्ट है 2026, जीत जीपुत का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, प्रभा का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है 2026, सचिन सिंह का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नलिन, बोर्ड तो घर पे ही है अभी भी, बस आज थोड़ा वीकनेस थी मुझे इसलिए मैंने आज बोर्ड पे क्लास नहीं ली, कल बोर्ड पे क्लास होगी, ठीक है, आज आज के लिए बस रेस्ट ले लिया मैंने। 50, नेम द सिंगर ऑफ द टोक्यो ओलंपिक चीयरिंग सॉन्ग हिंदुस्तानी वे, टोक्यो ओलंपिक के जय जयकार गीत हिंदुस्तानी वे के गायक का नाम बताइए, ऑप्शन ए अनन्या बिरला, ऑप्शन बी अलका याग्निक, ऑप्शन सी श्रेया घोषाल, या ऑप्शन डी नेहा कक्कड़। अनीश का भी आंसर 2026, मंजू का भी, गुप्ता मिस का, अनीश का, सबका 2026 करेक्ट आंसर है। गुप्ता मिस आपका मैंने आंसर देख लिया 2026, तो यहाँ पे रंजन का, कामेश का, अविनाश का, मनदीप का, योगी का, मेरे साइड में ये मेरे बाल ही लटक रहे होंगे और क्या ही लटकेगा बताओ। थैंक यू हिम्मत, एक बार सारे बच्चे वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सभी का आंसर आ रहा है अनन्या बिरला, एंड अनन्या बिरला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी जो आपकी अगली क्लास है वो है रात को 11:55 पे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, अगर आप नहीं सोते हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को अटेंड करना, वहाँ पे आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, करंट अफेयर के भी होंगे, स्टैटिक जीके के भी होंगे, और आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल स्टडीज़ के भी होंगे, ठीक है, जीएस के भी होंगे। तो सारे बच्चे 11:55 पे अनअकैडमी के लर्नर ऐप, अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे आ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे जिसके पास ऐप नहीं है, इंस्टॉल करने के बाद, डिटेल फिल करने के बाद, एसएससी गोल चूज कर लेना और मेरा नाम सर्च करना वर्षा सिंह, आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रोफाइल को फॉलो करके 11:55 की क्लास अटेंड कर लेना, मॉक टेस्ट होगा आपका, तो ज़्यादा लंबा वो सेशन नहीं चलेगा। तो सारे बच्चों का मैं वेट करूँगी, धर्मपाल का, जीत का, मिस गुप्ता का, हिम्मत, किशोर, शंकर, स्वप्निल, रिशु, वेदा गौर का, हेतराम, सारे बच्चे आना, ठीक है, स्वप्निल, भोले शर्मा, आप लोग सारे बच्चे आइएगा। कितने बजे? 11:55 पे, यानी कि 24 मिनट बच गए, 24 मिनट के बाद अनअकैडमी के लर्नर ऐप पे, ठीक है, एसएससी कैटेगरी में वर्षा सिंह सर्च करके उसको फॉलो करके क्लास को अटेंड करना। और जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेना, आप मेरा ये रेफरल कोड वर्षा यूज़ करना, चाहे आप बैंक का लो, एसएससी का लो, रेलवे, डिफेंस, कोई सा भी लेते हो। और ये मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो है GA/GS बाय वर्षा सिंह, ठीक है, तो इससे भी जुड़ जाओ, क्लास की PDF अभी आपको 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही था, थैंक यू, टेक केयर, बाय, टाटा। रिपोर्ट एंड विन क्या है? अगर आपको किसी भी एजुकेटर का कोई कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है, गलत
तो लगता है तो आप उस टीचर की रिपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आपको टाइप फॉर्म को फिल कर देना है। अगर आपका रिपोर्ट जेन्युइन होगा तो आपको अमेजोन वाउचर की ओर से, मतलब अनअकैडमी की ओर से अमेजोन वाउचर के क्या मिलेंगे, कूपन मिलेंगे, ठीक है। और अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास की टाइमिंग डेली 10:45 PM रहेगी, ठीक है। तो टाटा, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन, बाय। मिलते हैं हम लोग, 23 मिनट बच गए हैं 23 मिनट्स के बाद, ठीक है। चलो टाटा, टेक केयर, थैंक यू, बाय। और जल्दी से लाइक और शेयर कर दो सभी, और कोड मेरा ही यूज करना, वर्षा, और मेरा नाम भी याद रखना पूरा, वर्षा सिंह, अनअकैडमी लर्नर ऐप पे वर्षा सिंह के नाम से ढूंढना, ठीक है। चलो बाय।